खबर जनपद अंबेडकर नगर के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज से, जहां पर एक दिवसीय बारिश से ही कई सड़कों पर पानी का जमावड़ा हो जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन लोगों का साफ कहना है कि अब पूर्व विधायक अनीता कमल फिर चुनाव लड़ने आई है, हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। वहीं सपा ने निर्मला गौतम व बसपा ने एक विधवा महिला सुनीता देवी को प्रत्याशी बनाया है। जब मीडिया की टीम ने धरातल पर जाकर पड़ताल किया तो नगर पंचायत जहांगीरगंज से बसपा आगे चल रही है, वही जनता भाजपा प्रत्याशी अनीता कमल को कोस रही है। अम्बेडकर नगर जिला और अम्बेडकर नगर जिले की यह सुरक्षित विधानसभा अंतर्गत तो जहांगीरगंज नवसृजित नगर पंचायत, यह गांव है नरियाँव, सड़क है और सड़क पर एक दिवसीय बारिश का नतीजा। जी हाँ, एक दिवसीय बारिश में अगर गांव का ये हाल है तो सामने आने वाली बारिश में क्या हाल होगा। मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा। का नाम हो चाचे? सुशीला। का भरल है? पानी भरा हुआ है। कैसे? बरसात का एक दिन पानी बरसा लगता है। एक दिन का बारिश है। अनीता कमल यहाँ से विधायक थी भाजपा की, तो रोड वोड ना बनो ने? नहीं, आज चुनाव लड़े आवत है, नोट वोट देबू, वोट देबू, आज फिर चुनाव लड़े आवत है। वोट तो देवे के पड़ी, चाहे जे रहा है देवे के पड़ी। फिर यह पनिया में तो दरबू का, अरे दूसरे कोट दिया। देखिए चाचा आ रहे हैं, आप देखिए हमारे कैमरे में सीधे। आवा 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 आवा। का नाम है? रामूरत। ये पनिया में निकल के आवत हुआ, सड़क ना है का? ना कहाँ सड़क हो तो कहाँ निकली। यहाँ की विधायक थी अनीता कमल, हाँ। आज नगर पंचायत है, हाँ। फिर वो चुनाव लड़ रही, हाँ। वोट वोट दी है का? का कर दिए बोल ना वोट, हाँ? का कर वोट दिए? अरे जी हमार ना सुनी तो, हाँ सुने लो दीदी सर, रोड भाई ये एक दिन के बारिश की हाल है, हाँ। बारिश के सीजन में क्या होता है? अब बहुत बुरी हाल हो जाले बारिश में। ये आपके गांव का नतीजा है कि पूरे नगर पंचायत का? पूरा नगर पंचायत ऐसे घिरे हुए, हमारे गांव कहीं ना है हुए, पूरे गांव में जा घूम लिया। कौन गांव कमल को वोट नहीं देंगे आप लोग? कैसे देंगे बतावा, आप बतावा, हैं जी हमारे साथ दी, हमको वोट देव की? आवा बाबू आवा। का नाम है? ईशांत कुमार। ईशांत कुमार जी, आपके गांव में है ये पूरा पानी भरा है, क्या कहना चाहेंगे? वोट हम किसी को नहीं देंगे, देंगे तो बसपा को देंगे। बसपा को देंगे? अम्बेडकर नगर जिला, हाँ। अम्बेडकर नगर जिला बनाने वाली मायावती, हाँ। उन्हीं को वोट करें? हाँ उन्हीं को वोट देंगे। कहे भाजपा से अनीता कमल जी लड़ रही हैं, समाजवादी से लोग लड़ रहे हैं, किसे वोट करेंगे आप लोग, किसे वोट करेंगे? हम सुनील भैया को जिताएंगे चेयरमैनी में पूरा उम्मीद के साथ। सपा और बसपा को सपोर्ट करेंगे। समाजवादी उन लोग को नहीं देंगे, अनीता कमल को भी नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। भाई अनीता, गांव की जो पानी में तैर रहे हैं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े, यहाँ लोग गिर सकते हैं, यहाँ लोग चोटिल हो सकते हैं, यह वही नवसृजित नगर पंचायत है। मैं फिर इन्हीं से बात करना चाहूँगा। आशीष बाबू, हाँ? पढ़ने कैसे जाते होंगे ऐसे पानी में? कपड़ा वपड़ा खराब हो जाता, कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? और क्या? तो आखिर क्यों ये मूड बना है बीएसपी की तरफ? बीएसपी बढ़िया काम करती इसीलिए मूड बना है। अच्छा। बढ़िया काम, पूरा स्कूल अस्पताल सब बनवाए, स्कूल बनवाए, रोड भी बनवा रहे हैं, नाली भी बनवा रहे हैं, ये भरा पानी। हाँ। अम्बेडकर नगर जिला, ये एक बच्चे का, ये सिखाया बच्चा नहीं, अभी 15 साल की उम्र है, लेकिन ये जान रहे हैं अम्बेडकर नगर जिला बीएसपी ने दिया। अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कांसी राम आवास हो या मेडिकल कॉलेज हो, अच्छी सड़कें हों, वो सारी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, ये आपका कहना जी? ये सही भी है, ये मेरा भी कहना है, और ये चैनल पर आप देख रहे हैं, ये कहीं छिपा नहीं है। सुनीता देवी जो एक विधवा हैं, उनको प्रेरणा देने वाले सुनील कुमार मौर्या जी, उनके प्रचार प्रसार में आप लोग आए, क्या देख रहे हैं? जनता कितना साथ दे रही है? कुछ नहीं दे रही, जो है बसपा के लिए। जनता कितनी साथ दे रही है बसपा के साथ? बहुत दे रही है सर, पूरा एकदम जान लिए, भारी मतों से सबकी बार बसपा निकलेगी। और पूरा सुनील मौर्या वादा कर रहे हैं, अगर जो हम जो है क्या नाम नगर पंचायत का साल बने विकास नहीं करेंगे, अपना हम इस्तीफा दे देंगे पूरा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम नगर पंचायत की हर एक बात को, हर एक आवाज को और सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।